दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में हमें रोजाना एक से बढ़कर एक सीरियल देखते हैं, पर साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुए शो कबूल है कि बात अलग है, जिसकी चटपटी कहानी के साथ सीरियल में खूबसूरत नजर आई हसीनाओं ने अपनी नूर सी खूबसूरती से सबको मदहोश कर दिया, इसलिए तो आज वो टीवी की जानी मानी अदाकाराएं कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कबूल है सीरियल में नजर आई उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में से 10 अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीता है। पर क्या आप जानते हैं खूबसूरती के मामले में उन 10 में से नंबर 1 पर कौन है? इन्हीं सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं अभिनेत्रियों को नंबर पोजीशन देकर। नंबर 10 शालिनी कपूर। इस लिस्ट में नंबर 10 पर अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने वाली शालिनी कपूर का नाम है, जो कि इस शो में असद की माँ का किरदार निभाती नजर आई, जिनके हेयर कलर, गोल से चेहरे और शाइनिंग बालों ने सबका दिल जीता, इसलिए अभिनेत्री शालिनी इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं। नंबर 9 फरहीना जारीमरी। अभिनेत्री फरहीना कबूल है सीरियल में यंग नुजहत अहमद का किरदार निभाती नजर आई। वाकई जिस तरह से इन्होंने अपने ब्रिलियंट एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, वही इनकी नूर सी खूबसूरती भी दर्शकों को लुभाती नजर आई, जिनके गोरे गोरे गालों पर प्यारे से डिम्पल और कर्ली हेयर ने सबको दीवाना बना दिया। बस इनकी यही खूबी तो इन्हें इस लिस्ट में नंबर 9 पर लाती है। नंबर 8 दिगांगना सूर्यवंशी। अभिनेत्री दिगांगना सूर्यवंशी इस शो में छोटी नुजहत की भूमिका निभाती नजर आई, जो शो में चश्मा लगाए हुए बेहद सिंपल दिखी, पर यकीनन साइड चोटी में सिंपल से दिखने वाली इस अदाकारा की खूबसूरती दर्शकों ने खूब पसंद की, इसलिए तो अभिनेत्री दिगांगना सूर्यवंशी खूबसूरती के मामले में नंबर 8 पर है। नंबर 7 नेहा लक्ष्मी अय्यर। इस लिस्ट में बात करते हैं असद की छोटी बहन दसमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नेहा के बारे में, जो हूबहू अपनी मम्मी की तरह लगती थी। गोल सा चेहरा, फेयर स्किन और साथ ही बड़ी बड़ी आंखें और डिम्पल, वाकई ये बेहद अट्रैक्टिव लगती थी, जिनकी इस खूबसूरती को देखकर तो न जाने कितने लोग दीवाने हो गए थे। नंबर 6 सुरभि चंदना। इस शो में सुरभि चंदना ने हया कुरैशी का किरदार निभाया, जो कि एक गूंगी लड़की का किरदार था, जिसे पर्दे पर सुरभि चंदना ने जितनी सादगी के साथ निभाया उतना ही सादगी और मासूमियत इनके चेहरे पर भी थी। जिनके सांवले चेहरे पर तो प्यारी सी हंसी थी, उसने इनके चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, इसलिए तो इनकी सिंपल सिटी ने इन्हें इस लिस्ट में नंबर 6 पर ला के रखा। नंबर 5 केतकी कदम। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है अभिनेत्री केतकी कदम, जिन्होंने शो में हुमैरा सिद्दीकी शेख के किरदार को निभाया। इस बात ने कोई दो राय नहीं कि केतकी कदम खूबसूरती में किसी से कम नहीं, जिनका छोटा सा क्यूट सा फेस, छोटी छोटी आंखें, उस पर प्यारी सी स्माइल इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। वाकई जब ये बंठन के पाशा पहनती थी, तब इनकी खूबसूरती और भी निखर कर आती थी। नंबर 4 आम्रपाली गुप्ता। शो में तनवीर यानी कि बिल्लो रानी का किरदार अभिनेत्री आम्रपाली गुप्ता ने निभाया, जो कि नकारात्मक किरदार निभाती हुई नजर आई। वाकई जब ये खूबसूरत एक्ट्रेस नेगेटिव रोल प्ले करती थी, तो इनकी अदा के साथ इनकी नेचुरल ब्यूटी भी झलकती थी। गोलू मोलू चेहरे पर, बड़ी बड़ी आंखें और सिल्की सिल्की बाल, साथ ही थोड़ी पर तिल, वाकई इनकी खूबसूरती के आगे ऊपर की सभी एक्ट्रेस पानी कम चाय हैं। नंबर 3 अदिति गुप्ता। इस लिस्ट में नंबर 3 पर अपनी खूबसूरती से दर्शकों को कायल करती हैं अदिति गुप्ता, जिन्होंने शो में सनम का किरदार निभाया। वाकई इस शो में ये ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी, और जब ये थोड़ा सा मेकअप करती थी तो इनका लुक और भी अट्रैक्टिव लगता था। नंबर 2 पूजा बनर्जी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती हैं पूजा बनर्जी, जो कि शो में अफरीन का किरदार निभाती नजर आई। इनकी खूबसूरती के बारे में क्या ही कहें, ये सूट पहने या साड़ी या फिर वेस्टर्न ड्रेस, सब में गॉर्जियस लगती थी, पर बावजूद ये नंबर 1 की पोजीशन हासिल न कर पाए। नंबर 1 सुरभि ज्योति। जी हाँ, सुरभि ज्योति ही है वो अदाकारा जो नंबर 1 पर आती हैं। बबली अंदाज के साथ बड़ी बड़ी आंखों से असद को छेड़ना, इनके स्मूथ हेयर बार बार आंखों पर आना, माशाल्लाह इनके गालों के डिम्पल के बारे में तो क्या ही कहें, उसने तो सबका चैन चुरा लिया, इसलिए तो आज भी इस खूबसूरत अदाकारा को याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री ज्यादा खूबसूरत लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।